7 फेमस पीपल हु कन्वर्टेड टू इस्लाम, 7 मशहूर शख्सियत जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। नंबर 7, धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी, कंबाइंड नेटवर्थ $60 मिलियन। दोस्तों, दुनिया की वो मशहूर शख्सियत जिन्होंने इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम को कबूल किया, इनमें हमारे पास 7वें नंबर पर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर जुमाना जोड़ी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की आती है, जिनका इस्लाम कबूल करने का वाकया इंतहाई दिलचस्प और पुरसरार है। अपनी जानदार अदाकारी और डायलॉग को अमर कर देने वाली सलाहियत रखने वाले धर्मेंद्र ने भारतीय सिनेमा की तारीख की मशहूर जमाना फिल्म शोले मूवी के जरिए अपने कैरियर को ऊंचाई तक पहुंचाया। आपको ये जानकर हैरत होगी कि धर्मेंद्र का असली नाम धर्म सिंह दियोल है, जो कि एक स्कूल हेडमास्टर के बेटे थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले इनकी शादी सिर्फ 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से कर दी गई थी, जिनसे इनके 2 बेटे सनी दियोल और बॉबी दियोल पैदा हुए। और दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने नाम भी हैं, जबकि पहली बीवी से ही इनकी 2 बेटियां भी पैदा हुई, जिनके नाम है विजेता और अजीता। अदाकारा हेमा मालिनी से इन्होंने अपनी दूसरी शादी 1980 में एक इंतहाई खुफिया तकरीब में की, जिसकी भिनक किसी को भी न लगने दी। लेकिन इससे पहले एक बड़ा ही अजीब और गैर मामूली भी वाकया पेश आया। भारत के कानून के मुताबिक आपको दूसरी शादी से पहले अपनी पहली बीवी से डाइवोर्स लेना होती है, और ऐसा सिर्फ बीवी ही कर सकती है। लिहाजा धर्मेंद्र को अपनी पहली बीवी से तलाक दरकार थी, लेकिन इनकी पहली बीवी ने इन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया, और इस कानूनी रुकावट को दूर करने के लिए हेमा मालिनी ने और इन्होंने दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके साथ ही इन दोनों ने निकाह कर लिया, ताहम ये दोनों ही आज तक इस बात से इनकार करते आए हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी से 2 बेटियां ईशा दियोल और आहाना दियोल पैदा हुई। दोनों शख्सियात अब सियासत में बहुत एक्टिव हैं और बीजेपी की तरफ से इलेक्शन भी जीत चुकी हैं। इन दोनों की कंबाइंड नेटवर्थ आज $60 मिलियन के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1,080 करोड़ रुपए बन जाते हैं। नंबर 6, माइक टाइसन। दोस्तों, आयरन माइक और द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट, यानी कि जमीन पर मौजूद सबसे बुरे इंसान के नामों से मशहूर होने वाले अमेरिकी बॉक्सर माइक टाइसन का पूरा नाम माइकल जेरार्ड टाइसन था। इन्होंने 1985 से 2005 तक अपनी बॉक्सिंग फाइट से तकरीबन $700 मिलियन कमाया, और अब ये फिल्मों के अलावा और बहुत से बड़े ब्रांड्स के मालिक भी हैं। आपको ये जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि इतना बड़ा बॉक्सर पिजन रेसिस, यानी कि कबूतरबाजी का भी शौकीन रहा है, जो कि इनका बचपन से ही सबसे बड़ा शौक था, और इनके पास एक दौर में 3 बंगाल टाइगर्स भी मौजूद थे। वैसे अगर आप में से किसी को भी कबूतरबाजी का शौक है, तो हमें कमेंट में लिख के आगाह जरूर करें। दोस्तों, माइक टाइसन जून 30, 1967 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पैदा हुए, और जब ये सिर्फ 2 साल के थे तो इनके वालिद इनकी वालदा को, इनको और इनके बहन भाइयों को छोड़कर चले गए। बाप का यूं चले जाना, फिर अपनी उम्र से बड़े लड़कों से मार खाने के बाद ये गली मोहल्लों में ही लड़ने लगे। और आपको जानकर ये झटका लगेगा कि सिर्फ 13 साल की उम्र में माइक टाइसन 38 बार गिरफ्तार हो चुके थे। जेल के दौरान इनकी मुलाकात लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली के साथ हुई, जिन्होंने इनके गुस्से को एक रास्ता दिखाया और वो बॉक्सिंग की दुनिया में आ गए। फिर ये 20 साल की उम्र तक दुनिया के अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन बन गए, और इन्होंने अपनी पहली 15 फाइट्स जो थी वो अपने हरीफ खिलाड़ियों को पहले ही राउंड में नॉकआउट करके जीती। इनका इस्लाम कबूल करने का वाकया भी बड़ा ही अजीब और दिलचस्प था। इनके मुखालफीन ने एक लड़की का इस्तेमाल करते हुए इन पर रेप का इल्जाम लगवा दिया, जिसके बाद इनको 3 साल की जेल होगी, और इसी दौरान किसी मुसलमान की तबलीग से मुतासिर होकर इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और इनका इस्लामी नाम मलिक अब्दुल अजीज है। ताहम दुनिया आज भी इन्हें माइक टाइसन के नाम से ही जानती है। अगर इनकी निजी जिंदगी की बात की जाए तो इन्होंने 3 शादियां की हैं, जिनसे इनके 8 बच्चे पैदा हुए हैं, जिनमें से एक बेटी का इंतकाल भी हो चुका है। और ये बात इंतहाई अजीब है कि अपनी बेटी के इंतकाल के 11 दिन बाद ही इन्होंने लाखिका स्पाइसर से शादी की, जो कि अब तक कायम है। इन्होंने अपनी जिंदगी में $700 मिलियन के लगभग पैसा कमाया, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 12,600 करोड़ रुपए से ज्यादा बन जाते हैं। लेकिन अपनी बुरी आदत और फजूल खर्ची की वजह से माइक टाइसन एक दौर में सड़क पे भी आ चुके थे। अगर आप माइक टाइसन के बारे में एक मुकम्मल फैक्ट से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें यस लिख के आकर जरूर करें, और हम एक मुकम्मल वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे। नंबर 5, AR रहमान, नेटवर्थ $280 मिलियन। दोस्तों, 2 ऑस्कर अवार्ड्स, 15 फिल्म फेयर अवार्ड और 4 नेशनल अवार्ड और बहुत से दीगर अवार्ड जीतने वाले भारत के सबसे बड़े सिंगर, कंपोजर और सॉन्ग राइटर AR रहमान का पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान है, और ये 6 जनवरी 1967 को भारत के शहर चेन्नई में एक हिंदू घराने में पैदा हुए थे, और इनका हिंदू नाम दिलीप कुमार था, लेकिन फिर अल्लाह ने इनको बड़े ही जबरदस्त तरीके से इस्लाम की राह पर पहुंचा दिया। और इनकी डिटेल में जाने से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए। दोस्तों, किस्सा कुछ यूं है कि इनकी छोटी बहन शदीद बीमार होगी, और जब हर तरह के इलाज मुआलजे से कोई भी फर्क ना पड़ा, तो एक सूफी बुजुर्ग करीमुल्लाह शाह कादरी की दुआ से और इलाज से मौजाना तौर पर वो सेहत याब हो गई। ये देखकर AR रहमान ने इस्लाम कबूल कर लिया, और आपको इन
इनके गानों में सूफीज्म भी मिलेगा, जो कि इनके इस्लाम कबूल करने की वजह से है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजिशियन अपनी सालगिरह के दिन सुबह फजर की नमाज पढ़कर यतीम बच्चों को खाना खिलाकर दिन गुजारता है। इनकी शादी का वाकया भी बहुत ही दिलचस्प है। इनकी वालदा ने इनकी बीवी सायरा को एक सूफी बुजुर्ग की दरगाह पे देखा और अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। जब एआर रहमान ने सायरा से इनकी रजामंदी पूछी तो वो खामोश रही, जो कि एक तरह से उनकी तरफ से हाँ ही था। एआर रहमान की अब दो बेटियां भी हैं, जिनमें एक का नाम खतीजा जबकि दूसरी का नाम रहीमा है, और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम आमीन है, जो कि इन्हीं की तरह 6 जनवरी को ही पैदा हुआ है। 2013 में इनके नाम पर कनाडा के मशहूर शहर ओंटारियो में एक सड़क का नाम भी रखा गया, जबकि ये बहुत से फलाई कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज इनकी नेटवर्थ $280 मिलियन के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाते हैं। नंबर 4, आयशा ताकिया, नेटवर्थ $10 मिलियन। दोस्तों, बॉलीवुड स्टार सलमान खान की सुपर हिट फिल्म वांटेड से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली खूबसूरत अदाकारा आयशा ताकिया ने एक हिंदू बाप के घर आंख खोली थी, लेकिन इनकी वालदा मुसलमान थी। लेकिन इन्होंने लव मैरिज करके इस्लाम कबूल करते हुए एक सियासतदान के बेटे फरहान आजमी से निकाह कर लिया, और अब इन दोनों का एक खूबसूरत सा बेटा भी है। लेकिन हैरान कुन तौर पर शादी के लिए अदाकारा ने न सिर्फ अपना मजहब बदला बल्कि अपने फिल्मी कैरियर की भी कुर्बानी दे डाली, और अभी अपने शौहर के बहुत से रेस्टोरेंट्स के बिजनेस को भी देखती हैं। इनकी शादी ने जहां हिंदुओं को नाराज किया, वहीं ये अपने फादर इन लॉ यानी कि अपने ससुर अबू आजमी के खिलाफ बयान देकर भी मीडिया की खबरों की जीनत बनती रही है, जिन्होंने रेप से मुतासरा एक खातून को सजा दिलाने के हक में बात की थी। आयशा ताकिया, जो अपने नाम के साथ आयशा आजमी अब लगाती है, 10 अप्रैल 1986 को मुंबई में पैदा हुई, और इन्होंने मशहूर जमाना फिल्म टार्जन द वंडर कार से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया, लेकिन बाद में इनको एक फ्लॉप अदाकारा कहा जाता रहा। लेकिन फिर सलमान खान की फिल्म वांटेड में जलवागर होने के बाद इनकी अदाकारी की तारीफें होने लगी, लेकिन फिर ये अचानक से ही शादी करके पर्दे से गायब हो गई। आज इनकी नेटवर्थ $10 मिलियन के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 180 करोड़ रुपए बन जाते हैं। नंबर 3, लिंडसे लोहन, नेटवर्थ $150 मिलियन। दोस्तों, हॉलीवुड की मशहूर जमाना मॉडल और अदाकारा लिंडसे लोहन को अपनी हरकतों की वजह से मीन गर्ल भी कहा जाता है, और इन्होंने इस वक्त तंग नजर व्हाइट एक्सट्रीमिस्ट और इस्लामोफोब्स को भड़का दिया, जब लंदन में कुरान मजीद हाथ में पकड़े इनकी एक तस्वीर वायरल हो गई। ताहम इन्होंने इन तमाम नस्ल परस्त गोरों को इंतहाई तसल्ली से जवाब दिए और इनका असल चेहरा भी बेनकाब किया। लेकिन इस अमरीकी मॉडल की इस तब्दीली के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। 2 जुलाई 1986 को न्यूयॉर्क सिटी में पैदा होने वाली अमरीकी मॉडल को कानून तोड़ना बहुत पसंद है। ये हिट एंड रन के केसेस में 2 बार जेल जा चुकी है। इसके अलावा इन पर एक कीमती हार चुराने का भी इल्जाम लग चुका है, जिसकी वजह से इनको अपने कैरियर में अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ा, और ये नशे की भी आदी रह चुकी है। लेकिन फिर इनकी जिंदगी में बहुत ही बड़ी तब्दीलियां आने लगी, और इन्होंने इस्लाम का मुताला करना शुरू कर दिया, और इनको कई बार कुरान पाक हाथ में लेकर इधर उधर जाते हुए भी देखा गया है। इंस्टाग्राम पर ये अपनी तमाम काबिले एतराज तस्वीरें डिलीट कर चुकी हैं, और अक्सर अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक के पैगामात भी देती रहती हैं। कुछ अरसे पहले ये तुर्की में एक काले रंग का स्कार्फ ओढ़े भी नजर आईं, जबकि इन्होंने अपना पूरा जिस्म मुकम्मल तौर पर ढापा हुआ था। आजकल ये दुबई के एक अमीर बिजनेसमैन बदर शम्स के साथ नजर आ रही है, और ये भी गुमान किया जाता है कि इन दोनों ने मंगनी कर ली है। इनके इस तरह के जेस्चर से मुसलमान और गैर मुस्लिम ये समझने पर मजबूर हो गए हैं कि ये इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, लेकिन मुनासिब वक्त पर इसका ऐलान करेंगी। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि वाकई में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, और अगर आपको भी हमारी तरह ये सुनकर खुशी हुई है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। लिंडसे लोहन की नेटवर्थ $150 मिलियन के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 2,700 करोड़ रुपए से ज्यादा बन जाते हैं। नंबर 2, जेनेट जैक्सन, नेटवर्थ $190 मिलियन। दोस्तों, दुनिया के नंबर 1 सिंगर और ब्रेक डांसर माइकल जैक्सन की छोटी बहन जेनेट जैक्सन को यूट्यूब वेबसाइट लॉन्च होने की वजह भी बताया जाता है। इनका 2004 में होने वाला एक कॉन्सर्ट एक अमरीकी लड़के जावेद करीम ने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना था, और जब उसे इसका कोई तरीका ना मिला था, उसने एक वेबसाइट youtube.com लॉन्च कर दी, जहां पर उसने ये वीडियो डालकर अपने दोस्तों से शेयर करना थी। और इस तरह इस वेबसाइट की वजह से दुनिया भर के आर्टिस्ट लोगों के सोचने का तरीका ही बदल गया। दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि माइकल जैक्सन के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो भी इस्लाम कबूल करने वाले थे, लेकिन इनके इन्वेस्टर्स और स्पॉन्सर्स ने इन्हें ऐसा नहीं करने दिया। जब कोई चारा बाकी ना रहा तो इस अजीम फनकार को इनके डॉक्टर के ही जरिए रास्ते से हटा दिया गया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये आज तक सामने नहीं आ सकी, लेकिन इसी माइकल जैक्सन की बहन जेनेट जैक्सन ने 2012 में कतर के एक खरबपति बिलियनियर वसीम अल माना से शादी कर ली, और 50 साल की उम्र में अपने वाहिद और पहले बेटे ईसा अल माना को जन्म दिया। इसके अलावा इनको कई बार मुसलमान खवातीन की तरह लिबास में देखा भी गया है, जिसकी वजह से इनके फैंस ने ये समझना भी शुरू कर दिया था कि ये मुसलमान हो चुकी हैं। तहम इस बात का इकरार या इनकार अभी तक इन्होंने नहीं
नहीं किया। नंबर वन, मोहम्मद अली। दोस्तों, दुनिया के अजीम तरीन बॉक्सर मोहम्मद अली को कौन नहीं जानता और कौन इनकी बॉक्सिंग का दीवाना नहीं था, लेकिन इतनी इज्जत, इतनी शोहरत और इतनी दौलत होने के बावजूद अमरीका में इनको एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना सर्व करने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि वो एक स्याहफाम शख्स थे, यानी कि काले, और पूरे अमरीका में उस दौर में स्याहफाम लोगों को बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था। ये एक बार अपने बचपन में अपनी माँ के साथ एक डिपार्टमेंटल स्टोर में पानी की बोतल लेने गए, तो इन्हें स्याहफाम होने की वजह से पानी की बोतल देने से भी इनकार कर दिया गया था। 1960 के समर ओलंपिक्स में मोहम्मद अली ने सिर्फ 18 साल की उम्र में अमरीका को गोल्ड मेडल जितवा दिया। जब ये वापस अपने मुल्क पहुंचे तो हर वक्त अपना गोल्ड मेडल अपने गले में लटकाए घूमते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इनको एक अच्छे रेस्टोरेंट में जब खाना नहीं मिला तो ये देखकर ये दिल बर्दाश्ता हो गया और अमरीका के मशहूर ब्रिज ओहायो रिवर ब्रिज पर खड़े होकर इन्होंने अपना गोल्ड मेडल दरिया में फेंक दिया और कहा कि क्या फायदा इसको कमाने का जब ये मुझे इज्जत ही नहीं दिलवा सकता। इसके बाद मोहम्मद अली बॉक्सिंग करते रहे और 1964 में ये सिर्फ 22 साल की उम्र में वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन भी बन गए। लेकिन अगले दिन अखबारों में छपने वाली खबर इससे भी बड़ी थी, और वो ये थी कि कैसियस मार्कस क्ले जूनियर ने इस्लाम कबूल कर लिया है और इन्होंने अपना इस्लामी नाम मोहम्मद अली रखा। लेकिन ये तब्दीली अचानक नहीं आई थी, बल्कि इनकी इस्लाम से दिलचस्पी कुरान पाक के मुताले की वजह से पैदा हुई, जिसमें ये बात बहुत वाजे लिखी हुई थी कि इस मजहब में किसी गोरे को काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। इस्लाम कबूल करने के बाद ये बॉक्सिंग भी करते रहे और वियतनाम की जंग में शिरकत से इनकार करने पर और इसके खिलाफ बोलने पर इन्हें 5 साल की पाबंदी का भी सामना करना पड़ा। ताहम पाबंदी खत्म होने के बाद ये फिर से वापस आए और फिर दोबारा से चैंपियन भी बने। इसके बाद 1981 में इन्होंने बॉक्सिंग को खैरबाद कह दिया। 2005 में अमरीकी हुकूमत ने इन्हें मेडल ऑफ फ्रीडम से भी नवाजा और पूरी दुनिया में इनकी इज्जत भी हुई। इनका सूफीज्म से भी गहरा लगाव था और इन्होंने बहुत सी मस्जिद भी तामीर करवाई। 3 जून 2016 के रोज दुनिया का ये अजीम बॉक्सर और एक इंतहाई अच्छा मुसलमान 74 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिला। बॉक्सर मोहम्मद अली ने अपनी जिंदगी में 4 शादियां की और इनकी 7 बेटियां और 2 बेटे भी थी, और हम इनके बारे में एक डिटेल से वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी और ऐसी शख्सियत के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपना मजहब बदला और इस्लाम को कबूल किया, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें आगाह जरूर करें, और ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।